स्टूडेंट्स, मैं अनिता चौहान आपका एक बार फिर गोडविन इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविन लर्नर्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है कई दिनों से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत मोटर। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर क्या होता है? वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा इसका? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को, कोई आयताकार कुंडली है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म का मतलब है बलों का जोड़ा, यानी कि एक साथ दो बल कार्य करते हैं, और उस बलयुग्म की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। सिद्धांत क्या होगा कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था? कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व उसकी पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, तो जो पहली उंगली थी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, दूसरी उंगली धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आती है इसकी रचना। वैद्युत मोटर के तीन भाग होते हैं। फर्स्ट है क्षेत्र चुंबक, सेकंड है आर्मेचर, और थर्ड है विभक्त वलय तथा ब्रूस। तो जानेंगे पहले, सबसे पहले कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड N और S होते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड N व S होता है। N होता है नॉर्थ पोल और S होता है साउथ पोल। अब आता है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है? एक तांबे की आयताकार कुंडली ABCD है। तांबे की आयताकार कुंडली, कई फेरे हैं इसमें ABCD, जो क्षेत्र चुंबक के बीच यानी कि ध्रुव खंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। क्या हो गया आर्मेचर? यह तांबे के कई फेरों की बनी एक आयताकार कुंडली ABCD है, जो ध्रुव खंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अब थर्ड आता है हमारा विभक्त वलय तथा ब्रूस। विभक्त वलय तथा ब्रूस। विभक्त वलय क्या हुआ? ये वाले, यह पीतल का एक छल्ला होता है। ये वाले जो दो फिगर बनी हुई है, ये क्या है? हमारे विभक्त वलय। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, एक भाग ये और दूसरा भाग ये, और दोनों क्या एक दूसरे से अलग अलग है, पृथक है। पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है और दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कुंडली का एक सिरा, यह आयताकार कुंडली थी हमारी, इसका एक सिरा एक छल्ले से और दूसरा सिरा दूसरे छल्ले से जुड़ा होता है, और इन ये छल्ले दो कार्बन ब्रूस से जुड़ा होते हैं। दोनों छल्ले, ये दोनों छल्ले जो है पीतल के, जो दोनों छल्ले है, वे कैसे जुड़ रहे हैं? कार्बन ब्रूस से। एक कार्बन ब्रूस ये और दूसरा कार्बन ब्रूस ये। कार्बन ब्रूस कैसे जुड़े होते हैं? बैटरी से। कार्बन ब्रूस कैसे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। बैटरी का धनात्मक सिरा बाएं ब्रूस से और ऋणात्मक सिरा दाएं ब्रूस से। एक ब्रूस से धारा बैटरी, एक ब्रूस से जो धारा है वो क्या करती है? प्रवेश करती है, और दूसरे ब्रूस से धारा निकलती है। जो बाएं ओर का ब्रूस है उसमें क्या है? धारा प्रवेश कर रही, और दाएं ओर के ब्रूस से धारा बाहर निकलती है। अब आती है इसकी कार्य विधि, यानी कि किस तरीके से ये कार्य करता है। कार्य विधि में क्या होगा कि जब बैटरी से, बैटरी ये होगी, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार AB पर एक बल नीचे की ओर, AB पर बल नीचे की ओर, और CD पर बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। तो एक साथ दो बल हो गए,
तो इसे बोलेंगे बलियुग्म। क्या बोलेंगे? बलियुग्म। तो इस बलियुग्म के कारण जो कुंडली होती है वो हमारी वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। जब बैटरी द्वारा कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की जो ए बी भुजा है उस पर बल नीचे की ओर कार्य करने लगता है और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। तो ये क्या बनता है? हमारा बलियुग्म। और इस बलियुग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, जब कुंडली घूमना शुरू कर देगी तो कुंडली के सिरों पे जो भी भक्त वल्य लगे हुए भी क्या होंगे? घूमना शुरू कर देंगे। परंतु जो बैटरी का धन ध्रुव है वो पुरुष के बाएं सिरे से और ऋण जो ऋण ध्रुव है वो दाएं पुरुष से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो हमारा यंत्र उपकरण है वैद्युत मोटर, वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या आता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उस टाइम पर परिपथ में धारा भी प्रवाहित होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। जब वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होती है। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसे बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं प्रेरित धारा, और इस पूरी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। फैराडे ने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? एक तांबे की कुंडली ले ली और उसका सिरे दोनों सिरे कहीं से जोड़ दिए धारा मापी से, चुंबक का नॉर्थ पोल लिया और कुंडली की ओर लेके चले गए। क्या क्या? तांबे की एक कुंडली ली जिसके दोनों सिरे कहीं से जोड़ दिए धारा मापी से, और चुंबक का नॉर्थ पोल को हम कुंडली की ओर ले गए। तो क्या होता है? धारा मापी में एक क्षणिक विक्षेप होता है, सूक्ष्म विक्षेप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित हुई है। उसके बाद हमने क्या किया? चुंबक को हमने कुंडली से दूर ले गए, यहाँ तो समीप ले जाए थे, यहाँ ले गए हम कुंडली से दूर, तो धारा मापी में तब भी विक्षेप हुआ लेकिन पहले विक्षेप के तुरंत जस्ट विपरीत। तो इस टाइम भी क्या है? धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन पहली धारा के विपरीत है। इसी प्रकार अगर हम साउथ पोल ले, दक्षिण ध्रुव ले और उसे कुंडली के समीप ले जाए या फिर दूर ले जाए, तो जो इस धारा मापी में विक्षेप होगा वो पहले के क्या होगा? विपरीत होगा। पहले के क्या होगा? विपरीत। अगर हम चुंबक को तो स्थिर रख दें और कुंडली में गति कराएं, जो कुंडली बना रखी है उसमें क्या कराएं? गति, तब भी धारा मापी में विक्षेप होता है। यानी कि जो हमारी धारा प्रवाहित होती है, जो धारा मापी में विक्षेप होता है वो किसके कारण? चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण होता है। यदि हम चुंबक की गति में वृद्धि कर दें या कुंडली की गति में वृद्धि कर दें तो धारा की प्रबलता और अधिक बढ़ जाती है। यदि कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ा दें, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ा दें, तब भी धारा की जो प्रबलता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति में वृद्धि कर दें या फेरों की संख्या में वृद्धि कर दें तो धारा की प्रबलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। धारा की प्रबलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब आते हैं फैराडे के नियम। क्या आते हैं? फैराडे के नियम। फैराडे ने दो नियम दिए थे, जिसे फर्स्ट नियम को बोलते हैं न्यूमैन का नियम और सेकंड नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। पहला नियम तो ये है कि जब कुंडली से किसी कुंडली में उत्पन्न फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो फाई बी है वो है हमारा चुंबकीय फ्लक्स यानी कि बल रेखाओं में परिवर्तन। जब विद्युत परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं में परिवर्तन होते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो वो विद्युत वाहक बल है वो बल रेखाओं में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बल रेखाओं में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो एन फाई बी है ये हमारी बल रेखाएं। तो ई बराबर हो गया हमारा माइनस के एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अब आता है दूसरा नियम। क्या आता है दूसरा नियम? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि वो विद्युत वाहक बल या वो धारा उसी का ही विरोध कर रही जिससे वो उत्पन्न होती है। तो उसे क्या बोलेंगे? लेंज का नियम और फैराडे का दूसरा नियम। फर्स्ट नियम क्या बताया? कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो मान होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। दूसरा, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।